यावत् अस्थो हयं देहे यावन मृत्युश्च दूरिता तावदात्महितं प्राणान्ते किं करिष्यति। तो आइए चलिए आज कुछ भारतीय इतिहास के, प्राचीन इतिहास के ईसा पूर्व और ईस्वी पर चर्चा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं डियर संजीव सर और मैं हूँ संजीव सर। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय, प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं की प्रमुख तिथियों एवं संवत के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। ईस्वी जो है वह संवत के प्रारंभ होने से प्रारंभ हुआ है और ईसा पूर्व उसके पहले 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जहाँ तक से कुछ ठोस प्रमाण मिला है उसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है 600 ईसा पूर्व में लगभग मगध का उत्कर्ष हुआ। लगभग 600 ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष हुआ। 599 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक महावीर का उत्कर्ष हुआ। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक गौतम बुद्ध को माना गया है। उस समय गौतम बुद्ध का समय था। 550 ईसा पूर्व लगभग साइरस द्वितीय ने के नेतृत्व में हखामी का आक्रमण हुआ था। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का समय चला। बिंबिसार जो यहाँ के राजा हुआ करते थे मगध के। 519 ईसा पूर्व से पारसियों के शाख साइरस भारत के उत्तर पश्चिम पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक अजात शत्रु का राज हुआ करता था। 493 ईसा पूर्व से अजात शत्रु का राज्यारोहण हुआ था। 486 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 486 ईसा पूर्व में हुआ था। उसी समय जैन धर्म के संस्थापक महावीर की मृत्यु हो गई थी। 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल हुआ करता था। 273 ईसा पूर्व में अशोक का राज्यारोहण हुआ था। 250 ईसा पूर्व लगभग पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। 185 ईसा पूर्व मौर्यों का अवसान हुआ था। 185 ईसा पूर्व में मौर्यों के राजवंश की अवसान हो गई थी। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग का राज्यारोहण हुआ। पाटलिपुत्र पर पुष्यमित्र शुंग का राज्यारोहण हुआ। 180 ईसा पूर्व से 165 ईसा पूर्व तक उत्तर पश्चिम में हिंद यवन शासक टेमेट्रिक्स द्वितीय का आगमन हुआ। 155 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक उत्तर पश्चिम के हिंद यवन शासक मंडीर का शासनकाल हुआ था। 128 ईसा पूर्व से 110 ईसा पूर्व तक सतकर्णी के अधीन सतवाहन सत्ता का उत्कर्ष हुआ था। 180 ईसा पूर्व लगभग पश्चिम भारत में प्रथम शासक मुएट्स का शासन हुआ। 50 ईसा पूर्व लगभग कलिंग नरेश खारवेल का शासन हुआ था। 78 ईसा पूर्व लगभग कनिष्क प्रथम का राज्यारोहण हुआ तथा शक संवत की स्थापना हुई। अब इसके बाद हम लोग शक संवत स्थापना को देखते हैं और वहां से 600 ईसा पूर्व तक की बातें तिथि वाइज हम लोग देखते हैं। ईस्वी तक 78 ईसा पूर्व के बाद सन ईस्वी का स्थापना हुआ और सन ईस्वी की स्थापना में 106 से 130 ईस्वी सतवाहन सत्ता पर गौतमी पुत्र सतवाहन का शासनकाल हुआ। उसके बाद 138 ईस्वी से 158 ईस्वी तक सतवाहन सत्ता पर वशिष्ठ पुत्र का शासन था। उसके बाद 319 ईस्वी से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण हुआ तथा चंद्रगुप्त प्रथम राजवंश की स्थापना हुई। 319 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था। उसके बाद 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ। 335 से 415 ईस्वी तक समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल था। 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक फैयान का भारत दर्शन चला। उसके बाद 415 ईस्वी से 455 ईस्वी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल हुआ। उसके बाद 455 से 467 ईस्वी समुद्रगुप्त का शासन था। 476 ईस्वी से
ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 500 ईस्वी लगभग उत्तरी पश्चिम भारत पर हुन अधिपत्य था। 505 ईस्वी में ज्योतिषाचार्य बराज मिहिर का भी जन्म हुआ। 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ, वहां से गुप्त साम्राज्य की समाप्ति हो गई, फिर दूसरा राजवंश का स्थापना हुआ। 647 ईस्वी में कनिज नरेश हर्षवर्धन का उत्थान हुआ था। इस प्रकार हम 647 से आगे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर और कमेंट करें इसके आगे वीडियो को देखने के लिए, कि बेल घंटी को दबाएं, क्योंकि मेरा मैं जो भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।